दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़ा और खतरनाक रेप्टाइल एनाकोंडा का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो खासकर साउथ अमेरिका और अमेजन के जंगलों में पाया जाता है। क्या एनाकोंडा एक इंसान को पूरी तरह निगल सकता है? इसका जवाब है हाँ। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप अमेजन के जंगलों में घूमने गए हैं, वहाँ पर आपको एक विशाल एनाकोंडा से मुलाकात होती है। तो क्या यह विशाल जीव आपको खाना चाहेगा? वेल, इस सवाल का जवाब है हाँ और नहीं, दोनों। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर यह विशाल जीव 9 मीटर तक लंबा और 225 केजी तक वजन वाला होता है। यह जीव 18 केजी से लेकर 45 केजी तक का किसी भी जीव को निगलना पसंद करता है। और अगर आपका वजन 45 किलो से अधिक है तो एनाकोंडा को आपको खाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि 45 किलो से अधिक वजनी जीव को पचाने में उसे काफी समय लग सकता है। एक बार एक इंसान ने यह देखना चाहता था कि एनाकोंडा उसे निगल पाता है या नहीं। इसके लिए उसने पूरी तैयारी के साथ एक स्पेशल सूट पहनकर और उस पर सूअर का खून लपेटकर एनाकोंडा के पास जाता है, ताकि एनाकोंडा उसे निगलने का प्रयास करे। हुआ भी वही, एनाकोंडा उस व्यक्ति को निगलने की कोशिश एक घंटे तक करता रहा, पर उस व्यक्ति को पूरी तरह निगल नहीं पाया। फिर बाद में उसके टीम वाले उस आदमी को बचाया। खैर, एनाकोंडा अपने शिकारी को पहले कसकर जकड़कर मारकर निगलने की कोशिश करता है। चलिए मान लेते हैं कि आप एक सुपर पावर इंसान हैं, जो एनाकोंडा के द्वारा किए गए सभी अत्याचारों को सहन कर लिया, जैसे कि उसके द्वारा 90,000 पाउंड का लगाया गया प्रेशर, जो एक पल भर में शरीर के सभी हड्डियों को चकनाचूर कर सकता है। यह सब झेलते हुए मान लिया आप सही सलामत उसके पेट में चले गए। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि बाकी सांपों की तरह एनाकोंडा जहरीला नहीं होता है, इसके अंदर जहर नहीं होता है, इसलिए आपको उसके जहर से पैरालाइज होने का खतरा भी नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि उसके मुंह में पहुंचते ही उसके चिपचिपा स्लाइवा में गीला होकर आप आहार नली के रास्ते सीधा उसके पेट में पहुंच जाएंगे, जहां मौजूद स्ट्रॉन्ग एंजाइम और एसिड आपको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। एनाकोंडा के पेट में आप कितने देर में डाइजेस्ट होंगे, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मगरमच्छ एलिगेटर, जिसका स्किन हम इंसानों से काफी मोटी और सख्त होती है, उसे 3 दिन में डाइजेस्ट कर सकता है। फिर आपका सॉफ्ट और कॉमन स्किन को उसे ज्यादा दिन नहीं लगेगा डाइजेस्ट करने में। पेट से फिर आप उसकी छोटी आंत में पहुंचेंगे, जहां बाकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाएगा और बाकी कुछ कसर बच जाएगा, तो वो एनाकोंडा के पैंक्रिया और लीवर से निकलने वाला स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा कर देगा। वैसे एनाकोंडा इंसानों को निकलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है, लेकिन एनाकोंडा कई दिनों से भूखा हो और आप एनाकोंडा के पास जाएं, तो फिर एनाकोंडा को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका वजन कितना है। वह भले ही नहीं निकल पाए, पर 90,000 पाउंड का प्रेशर क्रिएट कर दम तोड़ने पर मजबूर जरूर कर सकता है। दोस्तों, आप चाहे तो माने या ना माने, एनाकोंडा हो या अन्य कोई और जीव, वह हमला तभी करता है जब उसे कोई खतरा महसूस होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही और अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नए अमेजिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।